हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल के इस बिजी शेड्यूल वाली लाइफ में अक्सर हम ज़्यादा ही ओवरवर्कलोड हो जाते हैं और हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से अक्सर हमें आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है। ज़रूरी नहीं है कि डार्क सर्कल्स हमारी सिर्फ नींद पूरी ना होने की वजह से हुई हो, इसके और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि एलर्जीज़, या फिर ये जेनेटिक भी होती है कई बार। थकान की वजह से तो होता ही होता है, स्ट्रेन, हम अगर हमारी आईज़ में स्ट्रेन, हमने ज़्यादा एक्सपोजर किया है कंप्यूटर या मोबाइल के सामने, धूप की वजह से होती है, और कई बार डिहाइड्रेशन में तो अक्सर ये हमारे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा दिखती है। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम से हमारा जो लुक होता है वो हमें सिर्फ टायर्डनेस वाली फीलिंग नहीं देता है दूसरे को कि अरे यार ये इंसान बहुत थका हुआ सा फील कर रहा है, इसके साथ साथ हमारी वो एज को भी बढ़ाता है। जितने एज के हम होते हैं उस एज से ज़्यादा हमें फील देता है। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कोल्ड कंप्रेस। ये आपके आंखों की स्वेलिंग को कम करता है। ये स्वेलिंग ज़्यादातर जो ब्लड वेसल्स में जो हमारे खून का पंपिंग होती है वो हमारी आंखों पे ज़्यादा हो रही होती है उसको कम करती है। इसके साथ साथ जिनको डार्क सर्कल की वजह से पफिनेस होती है उसको भी कम करती है। इसके लिए आपको एक साफ़ कपड़ा लेना होगा, उसके अंदर आप आइस क्यूब्स डाल करके अपने आँखों के आसपास रब करें। अगर आइस डालने की वजह से आपकी आँखों में दिक्कत हो रही है तो आप जो कपड़ा है, हैंकरचिफ या जो भी आप साफ कपड़ा ले रहे हैं उसको ठंडे पानी से धो करके भी आप अपने आँखों के आसपास रब कर सकते हैं। इससे आपके आँखों को काफ़ी आराम मिलेगा। ये आप डेली कर सकते हैं। आप डेली करने से, थोड़ी देर आप डेली करेंगे तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरा तरीका है सोक्ड टी बैग्स। चाय पत्ती के अंदर कैफीन और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि लिक्विड को एक जगह इकट्ठा ना होने में मदद करते हैं। इसके लिए आप ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी को गर्म पानी में 5 मिनट के लिए रख दें, फिर इस गर्म टी बैग को निकाल करके आप रेफ्रिजरेटर में ठंडा कर सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप इसको आँखों के नीचे 15 से 20 मिनट के लिए रखें और फिर अपना फेस धो लें। तीसरा, जो कि सब लोगों को बहुत पसंद है और सबसे आसान तरीका है, अपनी नींद पूरी करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो ये सिर्फ आपके डार्क सर्कल्स क्रिएट नहीं करेगी, आपके पूरे हेल्थ पे अफेक्ट देती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो ये इससे आपको जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर की, स्ट्रेस बढ़ जाएगा आपका, और आपको जो बॉडी वेट गेन होता है, मोटापा बढ़ता है, वो भी इसका एक कॉज है। तो दोस्तों, ट्राई करें कि आप दिन में कम से कम कॉन्टिन्यूसली 8 आवर्स की नींद ज़रूर लें। इससे आपके डार्क सर्कल्स नेचुरली कम हो जाएंगे। कम सोने के कारण डार्क सर्कल्स तो होते ही हैं, बट आप किस तरह से सो रहे हैं ये भी अफेक्ट करता है। आप इसके लिए क्या करें, जब आप सो रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा पिलोज अपने सर के नीचे रखें। यह आपके आँखों के नीचे फ्लूइड को जमा होने से रोकेगा, जिससे कि आपके आँखों में जो पफनेस और स्वेलिंग होती है वो ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट तरीका है खीरा। खीरे के अंदर नेचुरल चिलिंग और हाइड्रेटिंग नेचर होता है। यह कि ब्लड सर्कुलेशन के, आपके आईज़ के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा और जो डार्क सर्कल्स हैं उसको रिड्यूस करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 स्लाइसेस कुकुम्बर के लें, खीरे के लें, और उसको अपनी आँखों पे रख दें। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपना फेस धो लें। इसको आप ट्राई करें कि आप डेली कर सकें तो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है रोज़ वाटर। ये वाला रोज़ वाटर को आप जब अपनी आँखों पे लगाएं, उससे पहले आप इसको अपनी स्किन पे टेस्ट कर लें कि वो रोज़ वाटर जो है आपको कहीं आप उससे एलर्जिक तो नहीं है। तो इससे इसको यूज़ कर, इस नुस्खे को यूज़ करने के लिए आप पहले अपनी स्किन के किसी और पार्ट पे इसको ट्राई कर लें। अगर ये सुटेबल है आपकी स्किन के लिए तो आप इसको क्या करें, एक कॉटन बॉल लें, उसको रोज़ वाटर में डिप कर लें, उसको अच्छे से गीला कर लें, और आपके जो डार्क सर्कल्स जहाँ हैं आईज़ के नीचे वहाँ पर आप इसको अच्छे से लगाएं, अप्लाई करें और उसको रहने दें। नेक्स्ट है कोल्ड मिल्क।
जो हमारा मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, ये जो है आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स और उसके साथ साथ डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद करता है। आप इसके लिए क्या करें, एक कॉटन बॉल को दूध में अच्छे से डिप कर लें और उसको 15 मिनट तक अपनी आईज के जो नीचे आपको डार्क सर्कल्स हैं, या आप फेस पर भी इसको पूरा अप्लाई कर सकते हैं, और बेटर रिजल्ट के लिए आप इसको कम से कम 2 से 3 बार 1 वीक में यूज़ करें। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा तो लगभग सारी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए जैसे जादू सा है, कि आपकी स्किन को स्मूथ रखता है और कई प्रॉब्लम से आपको बचाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, एलोवेरा को अपनी आंखों के नीचे लगाएं और रात भर के लिए छोड़ दें। आप चाहें तो इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके डार्क सर्कल्स काफ़ी कम हो जाएंगे। फिर आते हैं टमाटर। टमाटर के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके स्किन लाइटनिंग के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके लिए आप क्या करें, टमाटर का जूस ले लें और उसको आप अपनी आंखों के नीचे अप्लाई करके 10 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद आप इसको ठंडे पानी से धोएं। बेटर इफेक्ट के लिए आप इसको 2 से 3 बार वीक में यूज़ करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम सबसे लास्ट और सबसे बेनिफिशियल टिप देखते हैं, मिंट लीव्स। मिंट लीव्स के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होता है। ये आपकी जो टायर्ड स्किन है और डार्क सर्कल्स या टैन स्किन जो है इसको प्रिवेंट करता है। इसके लिए आप क्या करें, कुछ पुदीने की पत्तियां लेकर के उसको क्रश कर लें अच्छे से, लगभग उसका पेस्ट सा बना लें, और इसको आप अपने डार्क सर्कल्स पे अप्लाई करें और 10 से 15 मिनट के बाद इसको ठंडे पानी से धो लें। बेटर रिजल्ट के लिए आप इसको डेली यूज़ करें और कम से कम आप इसको 3 बार तो वीकली यूज़ करें ही करें। और ज़्यादा बेनिफिट के लिए आप पुदीने के साथ साथ धनिया की पत्ती को भी क्रश करके अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके डार्क सर्कल्स को कम करने में हेल्प करेंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई करें और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कितने बेनिफिशियल हुए, आपको इससे कितना बेनिफिट मिला। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।